मिथिला विश्वविद्यालय पेंशन धारियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पेंशन धारी शिक्षक संघ के द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर धरना दिया गया। यह धरना एक दिवसीय था। इस धरना में अनेकों शिक्षक जो पेंशन धारी है सभी ने भाग लिया। इस सभी ने बताया कि 4 माह से पेंशन बाकी है आदि अनेकों समस्या है जिसे जल्द दूर किया जाए, नहीं तो हम लोग होली के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। पहले यह होती थी कि हर महीना का पैसा अगले महीना के फर्स्ट वीक में मिल जाता था, मगर 4 महीने लेट होने लगी है जिसके कारण हम पैसे धारी को कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर हम लोगों ने इससे पहले भी विश्वविद्यालय के कुलसचिव विश्वविद्यालय के कुलपति को एक लिखित आवेदन दे चुके हैं। उसी के कारण आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। क्या समस्या है? हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के जितने पेंशनर है टीचर पेंशनर, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि पेंशन रेगुलर नहीं मिलता है। हर महीने के एक सप्ताह के अंदर पिछले महीने का पेंशन मिलने की जो व्यवस्था है वह पेंशन नहीं मिलके 3-4 महीने विलम्ब से पेंशन मिलता है। जैसे कि अभी तक पेंशन अक्टूबर नवंबर दिसंबर ड्यू हो गया, अभी तक पेंशन नहीं मिला। ये एक समस्या है। दूसरी समस्या है कि जितने सारे बकाए हैं उनकी न गणना होती है न भुगतान संबंधी राज्य सरकार को डिमांड बजट पे पेश किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ये समस्या है। तीसरी समस्या है कि पेंशन के निर्धारण में बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं और निर्धारण के उपरांत जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं उनके भी भुगतान में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। यह भी हमारी समस्या है। और एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि 2016 में पेंशन जब आदमी रिटायर करता था टीचर या कर्मचारी विश्वविद्यालय का, तो उसी दिन उसका भी पेंशन फिक्स होता था और उसके फैमिली पेंशन को भी फिक्स कर दिया था। अब 16 के बाद ये तरीका, 16 के पूर्व जो रिटायर किए उनका भी कहना है कि जब 16 के बाद रिटायरमेंट के समय पेंशन का निर्धारण फैमिली पेंशन का भी हो गया तो हम में से जो लोग बचे हुए हैं उनका भी फैमिली पेंशन का निर्धारण कर दीजिए। यह सिंपल मैटर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी निकलना है। यह भी पिछले 4 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और विश्वविद्यालय इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं। आज विश्वविद्यालय मुख्य रूप से जो 5th, 6th, 7th पे के जो बकाए उस बकाए का भुगतान की हम लोग मांग करते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य रूप से 1/4/17 से 20 फरवरी 2020 तक को ग्रेच्युटी जो है ना 10 लाख दिया गया, जबकि उसके बाद सभी लोगों को जो है 20-20 लाख दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आज जो रिचार्ज करता है उसको 20 लाख और जो पहले रिचार्ज किया उसको 10 लाख वो होना, उसमें समानता होनी चाहिए। हम लोग ये जो हड़ताल अवधि का है वो हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। ये पेंशन जो है मुख्य रूप से रेगुलर नहीं है। कभी 3 महीना पर मिलता है, कभी 4 महीना पर मिलता है, कभी 5 महीने पर मिलता है। तो हम लोग रेगुलर मुख्य रूप से पेंशन की मांग करते हैं और ये जो बजट है वो हम लोगों के अनुरूप नहीं बनता और इसके रियलिस्टिक बजट की मांग करते हैं। इसके बाद जो मुख्य रूप से बजट में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी बकाया कम से कम यूनिवर्सिटी ये दे दे कि आपके इतना रुपया बकाया, हम नहीं रहेंगे इस धरती पर तो हमारा बच्चा भी कल होके मांग कर सकता है कि हमारा इतना बकाया। यही सब मुख्य मांगे हैं।